बिल्कुल ध्यान से देखो, हमें सिर्फ क्या है कि बहुत सारे पूली ब्लॉक्स है और हमें सिग्मा टी डॉट ए के यूज करके अपने रिलेशन को निकालना है, इनके एक्सलेशन को रिलेट करना है। है ना, चलो एक्सलेशन को रिलेट करते हैं इसको। देखो सिग्मा टी डॉट ए लगाना है, जिसका जिसका एक्सलेशन रिलेट करना उस उन पे लगाएंगे हम, ठीक है। चलो देखो यहाँ पर, ये देखो एक दो सिस्टम दिया हुआ, सिस्टम ए और इसको बोल देता हूँ मैं सिस्टम बी। ये दो सिस्टम है, एक का नाम ये रख दिया, दूसरे का नाम। अब देखो इस सिस्टम में ये ए टू से ऊपर जा रहा है, ए वन से नीचे आ रहा है, तो मुझे अगर इनके एक्सलेशन को रिलेट करना है तो मैं लगाऊंगा सिग्मा टी डॉट ए। तो सिग्मा टी डॉट ए दैट मस्ट बी इक्वल टू जीरो। अभी आप सीखिए, रिलेट करना सीखिए। अब हमको पता है कि अगर स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन सेम होता है, जब तक स्ट्रिंग बदलेगी नहीं तब तक टेंशन नहीं बदलेगा। तो इसमें कितनी स्ट्रिंग यूज हुई है यार, इसमें दो स्ट्रिंग यूज हुई है, तो दो स्ट्रिंग यूज हो रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बड़ी वाली स्ट्रिंग है इसमें अगर टेंशन मैं टी डिनोट कर दूँ तो यहाँ पर टेंशन टी होगा और यहाँ पर भी टेंशन टी होगा, ठीक है, क्लियर है। और ये जो टेंशन है इसमें जो टेंशन आएगा वो टू टी आ जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि पुली मासलेस है, ठीक है, तो ये टू टी आ गया। अब देखो, अब इसमें जो टेंशन आया वो ये जा नीचे रहा है, इस पर टेंशन ऊपर लग रहा है, ये जा ऊपर रहा है, इसमें टेंशन भी ऊपर लग रहा है, तो इसके लिए लिखो तो टी टी ए टू कॉस टी ए टू, इसमें टेंशन ऊपर लग रहा है, टेंशन दिखाने आता ना पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के हुए, और इसमें ये जा नीचे रहा है टेंशन ऊपर लग रहा है, तो माइनस टू टी ए वन मस्ट बी इक्वल टू जीरो। ये इनका मतलब रिलेशन हो गया, एक्सलेशन इन दोनों से रिलेट हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ए टू इज इक्वल टू टू टाइम्स ए वन, ठीक है, ए टू इज इक्वल टू टू टाइम्स ए वन।